केबल टुडे टीवी में स्वागत है आपका। दर्शकों, आज हूँ मैं होली, मैं जहाँ एक पावर हाउस है और इसी पावर हाउस से जो है वो क्षेत्र के लिए बिजली का जो सप्लाई है वो होती है, और यही जो कर्मचारी है इस बिजली को ग्रोला तक जो है वो भेजते हैं। तो ये पूरा जो कामकाज है इन्हीं की देखरेख में होता है, लेकिन आज से इन्होंने जो है वो 1 मई से जो है अपना पेन डाउन और टूल डाउन की घोषणा कर दी है, और वजह जो है वो 5 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, और इसकी वजह से इन्होंने आज से अपना पूरा कामकाज जो बंद कर दिया है, और जो परियोजना का मुख्य द्वार है वहाँ पर वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो मेरे साथ कर्मचारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी हड़ताल का क्षेत्र के लोगों को कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा, और क्या क्या इनकी समस्या है। तो सबसे पहले जी, स्वागत है आपका टाइम टू डेटी में। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि क्या समस्या है। समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या वो सैलरी की, वेतन की समस्या है। आज छठा महीना लग पड़ा हमें, तो बिजली बोर्ड इसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है और ओएसपी करके फर्म है, हम उसके अधीन काम करते हैं। तो उनके आश्वासन पे आज तक हमें 6 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ, तो बचा वेतन की है, बाकी कुछ हम तो काम करने अपने अपनी सुचारू रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, मेरे दर्शकों को बताइए कि आपकी ये जो पेन डाउन है, टूल डाउन है, लंबा चलता है, तो किन किन मुश्किलों का जो सामना है, वो मुश्किल का सामना जो है वो क्षेत्र के उपभोक्ताओं को करना पड़ सकता है, विस्तार से बताएं। देखो, आज की तारीख में बिजली, पानी, रोड, ये तो मेन मतलब मूल हो तो ये है। तो अगर बिजली बंद होती है तो हर एक कोई पेशेंट है, अपना बैंकिंग है, नेटवर्किंग है, हर एक जगह पर फर्क पड़ेगा, लेकिन हम उसको बंद करने के उसमें नहीं है। हमारे वेतन का भुगतान हो जाए तो अपनी सेवा देने के लिए सर्वस्व तैयार है, लेकिन अगर हमारी लंबी स्ट्राइक जाती है, स्ट्राइक तो नहीं कर रहे हैं, पेन डाउन टूल काम नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन लंबी जाती तो आपको पता ही कि हर एक मतलब परिवार को, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक जगह समस्या का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कितने दिनों तक जो है वो ये जो लंबा है ये चल सकता है? नहीं, हमारी अपने मैनेजमेंट से बात हो रही है, जो परियोजना प्रबंधक से बातचीत हो रही है, तो हमारी सैलरी डाल देते हैं तो हम लंबा करने के इसमें नहीं है। हम तो सोचते हैं कि आज 1 घंटे में हमारी सैलरी का भुगतान हो जाता है, तो हम 1 घंटे में सेवा देने के तैयार रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जो अगर लंबा चलता है तो किन किन पंचायतों के लोगों को जो है वो बिजली की जो ये एक सप्लाई है वो बाधित हो सकती है, फिर उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? सर, ऐसा कि हमारे लैबनी के 3 फीट ओल्ड ग्राउंड फील्ड है हमारा, गुरोला, होली और नयग्राम, और उसके बाद 4 33 है हमारे पास, तुलांग, बुरेड, होम एनर्जी और मेन 33 हमारी। तो इस चीज़ में अगर लंबा चलता है तो नेचुरली 6-7 पंचायतें प्रभावित होंगी और 33 प्रभावित होंगी, और 3-4 पंचायत जो डिपेंडिंग का तुलांग या बुरेड एनर्जी का सेकेंड होली, वो सारे प्रभावित होंगे जी। हम तो काम नहीं करेंगे, हमने उनको अपने एजेंट को बोला कि जब तक हमारी सैलरी का भुगतान नहीं होता हम टूल और पेन डाउन पे रहेंगे, और बाहर के आदमी को भी हम काम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये जो आपने जैसा जिक्र किया कि 3-4 जो प्रोजेक्ट हैं जिनकी जनरेशन में है, तो उनकी तरफ से तो पैसा कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के लिए जाता होगा, तो क्या अगर वजह क्या हो सकती है कि मैनेजमेंट के पास आपको वेतन देने के पैसे नहीं है? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि मेन 33 है वो कंट्रोल या इंटर कनेक्शन है, यहाँ जुड़ा हुआ है। अच्छा। यहाँ उन्होंने जुड़े, हालांकि उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं यहाँ, लेकिन जो मेन सप्लाई है 33 को हमारे पास है, वो जनरेशन पे है, लेकिन उनका हेड अलग है, लेकिन कंट्रोल हमारे पास है, मेन 33 हमारे पास है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं अभी कि जुलाई से जो है ये बंद पड़ा हुआ है, तो ये भी जो काम है इसी फर्म को दिया गया है, तो इससे भी कितना नुकसान जो वो सरकार को जो है वो रोजाना जो है उठाना पड़ रहा है? नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो बिजली बोर्ड है, तो बिजली बोर्ड को पूछ सकता है कि आप इतना लेट क्यों हो रहे हैं अगर वो काम नहीं करते। अच्छा, आपकी जो ये हड़ताल है लंबी खिंचती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगी वो कौन कौन सी पंचायतें होंगी, और किस किस वर्ग जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा? देखो जी, हम यहाँ से बंद करते हैं, लंबी जाती है, लंबी करने के चक्कर में नहीं, अगर हमारा वेतन का भुगतान हो जाता है तो हम अपने कार्यस्थल पर आ जाएंगे, लेकिन ये होती तो 7-8 पंचायतें प्रभावित होंगी, उसमें मतलब बैंकिंग प्रभावित होगी, अपना इंटरनेट प्रभावित होगा, जो मरीज है हॉस्पिटलिटी प्रभावित होगी, क्योंकि बिजली की जरूरत तो आजकल सभी जगह है, हर एक चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इनका अगर लंबा चलता है ये। अच्छा, ये बताइए कि कुल कितने कर्मचारी जो है वो पिछले 6 महीने से जो है वो बिना वेतन के यहाँ कार्य कर रहे हैं? अब 8 कर्मचारी है, 6 महीने से बिना पैसे के काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जरा ये बताइए कि जो परियोजना जिसका आप जो बता रहे हैं कि जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं जिनकी जो बिजली है वो उत्पादन के बाद यहाँ आती है,
तो उनको भी क्या इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मेन जो सप्लाई वो हमारे पास है, उन्होंने अपने आदमी रखे हुए हैं। लेकिन जब एक गरोला से हमें कई बार ट्रिपिंग आती है गरोला से, तो हमें एक है जाते हैं गरोला वाले बोलते हैं कि अपनी खाली लाइन करो, तो हमें खाली लाइन करना पड़ती है। तो नेचुरली जब हम काम नहीं करेंगे तो प्रभावी होगी, पर्यावरण प्रभावित होगी। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कर्मचारियों को वेतन के लाले हैं, और अब थक हार कर 6 महीने के बाद इन्होंने आखिरकार ये कदम उठाया। और इनका साफ कहना है कि अगर ये इनका जो कार्यक्रम है, जिस तरह इन्होंने अपना आज से ये काम बंद कर दिया, अगर ये चलता है तो बड़ी ज़्यादा जो मुश्किलों का सामना जो है वो होली क्षेत्र के लोगों को करना पड़ सकता है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम वो जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया है इनको वेतन देने का, वो उस पर कार्रवाई करे, या फिर उसको कोई ना कोई ऐसा रिटर्न में आदेश जारी करे कि इन कर्मचारियों की वो सुध ले। धन्यवाद।